हम समकालीन भारत 2 के अंतर्गत हम संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने भूमि संसाधन के बारे में आपको समझा दिया था। अब आगे हम देखेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? मृदा संसाधन का मतलब है कि मिट्टी। मृदा का मतलब है मिट्टी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि प्रकृति में जो है जो ये संसाधन है, पौधों के विकास के माध्यम से पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, जिसमें कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल तथा संस्थर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और इसके मुख्य कारक हैं। जो प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे परिवर्तन होते हैं, बहते हैं, जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मतलब मृदा बनता कैसे है, इसमें जो परिवर्तन होता है, पतझड़ आते हैं, जल में पानी बहने के कारण जो ऊपरी मृदा बहके आती है, वह भी बहुत सारी चीज़ें, खाद, पानी, मिट्टी जो बहा कर लेके आती है, वो भी एक तरह से जब इकट्ठी होती है तो वह भी मृदा बनती है, जिसको कि जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब मृदा जैव ह्यूमस मतलब जो पत्तियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें उसे सड़ती का जीव जंतु जब सड़ते हैं तो उससे भी मिट्टी बनती है। अजैव अजैव पदार्थ पे होते हैं, जो कि पत्थर धीरे धीरे घिस के जब होते हैं तो उससे भी मिट्टी बन जाती है, जब पत्थर टुकड़े टुकड़े होते हैं। फिर मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को हम अंतर करते हैं। जैसे कि मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित होती है, जैसे कई तत्व, कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, कई तत्व होते हैं, उससे भी हम गुण के आधार पर हम मृदा को अलग कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण कैसे, मृदा के जो प्रकार हैं वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, डेल्टा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, मतलब इस तरह से हम कई प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो मिट्टियाँ हैं, जो अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ जो पाई जाती है, इसके अनेक कारण की मृदा विकसित होती है, क्योंकि हर मिट्टी में अलग अलग तरह के उपज होते हैं। यदि हम बोले कि काली मिट्टी में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। काली मिट्टी दूसरी फसल के लिए उपयोगी है, जलोढ़ मिट्टी दूसरे चीज़ों को उपयोगी है, मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ अधिक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वह मिट्टी के प्रकार और उनकी उपजाऊपन के कारण में किस तरह की मिट्टियाँ हैं, उस पर उस प्रकार के वनों को संरक्षित किया जाता है। जैसे कई जगह सर्द होती है, ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के पेड़ अलग होते हैं, जहाँ पर सम जलवायु होती है वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं। इससे समझ में आता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे साल भर में जो खेती होती है, दो प्रकार की खेती होती है, एक बारिश के बाद होती है, दूसरी ठंड के समय में होती है। तो ये सारी जलवायु पर भी डिपेंड होता है। फिर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, जिसमें यह महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनता है। यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। फिर पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में डेल्टे के जलोढ़ मृदा से बने हुए होते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मृदा है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेंगर या मृदाएं भी कहा जाता है, रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है जिसको। ये काली मृदा जो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह माना जाता है कि जलवायु जनक शैलों में काली मृदा में बने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, लावाजनक शैलों में बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों आदि, जो महीन कण होते हैं अर्थात मृत्तिका से बनी हुई होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु दरारें पड़ जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह से जलवायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है।
इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने देखेंगे। लाल और पीली मृदा, लाल और मृदा दक्कन पठार की पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रविदार आग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में दक्षिणी छोर पर और काली घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रविदार आग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रकार के कारण होता है। इनका पीला रंग एवं जल योजन के कारण होता है। फिर देखेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या है? इसको हम शब्द ग्रीक भाषा शब्द में लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षारण का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल कुछ भागों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, क्योंकि इसमें विरल वनस्पति अर्धशुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने कृषि योग बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिम में राजस्थान में हो रहा है। अब देखेंगे वन मृदा। वन मृदा क्या है? वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के रूप में बदलाव हो जाता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं और ऊपरी ढालों में इसका गठन मोटे करों का होता है। हिमालय में हिमाचल क्षेत्रों में मृदाओं का बहुत अपरदन होता है, जिससे कि ये अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों में, जलोढ़ पंखों में आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। अब मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या है और संरक्षण क्या है? मृदा अपरदन वह है जब भूमि के ऊपर के मृदा बहाव के कारण, कटाव के कारण, हवा के कारण मृदा का अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का क्षरण होता है, उसे अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया में आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, जिसमें दोनों का संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोत्पत्ति, पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि के कारण कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं के कटने से गहरी वाहिका बनती हैं, जिससे अनिलिकाएँ बनती हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इनमें उत्खात भूमि कहते हैं। फिर चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। किसे चादर अपरदन कहा जाता है? इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती, उसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि में गलत तरीके से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने से ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिका बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। फिर चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजी भाषा में शासन के द्वारा घड़ी गई व्यवस्थाओं का खर्च उठाने पर ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार ये युद्ध व्यय और अदृश्य मदों का आयात और व्यय के लिए संपदा का दोहन हुआ था। अब आप लोग गृह कार्य है, मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के प्रकार बताइए एवं वर्णन कीजिए, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और मृदा अपरदन क्या है समझाइए।